तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 1 से लेकर 25 तक कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन। जिन्होंने कंप्यूटर पे अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जो भी उनका सिलेबस है उन्हें पूरा कर लिया है, उनके लिए हमारी सीरीज़ के थ्रू ये बेहतरीन मौका है कि वो अपनी तैयारी को जज कर पाएँ और देखें कि उनसे कितने सवाल सही हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं, उसके बाद जाके वो अपनी कमियों पर वर्क कर पाएँ। तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट जनरेट करती है और उसके बाद आउटपुट को स्टोर कर लेती है, सो दैट हम उन आउटपुट को बाद में एक्सेस भी कर पाएँ। तो ये तो कंप्यूटर ही होता है जो आप पढ़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये इनपुट हो गया, ये बीच में प्रोसेसिंग हो गई और प्रोसेसिंग होने के बाद ये हो गया आउटपुट, और उसके बाद यहाँ लगा रहता है फीडबैक जिसे हम कहते हैं स्टोरेज। इनपुट से प्रोसेसिंग के बीच में जो डेटा जनरेट होता है वो भी स्टोरेज में जाके सेव होता है, प्रोसेसिंग से आउटपुट के बीच में जो डेटा जनरेट होता है वो भी इसी स्टोरेज में जाके सेव हो जाता है। उसके बाद अगला है हमारा, आपके कंप्यूटर में सभी कंपोनेंट या तो डैश हैं या तो डैश हैं। तो मैं बता दूं, कंप्यूटर जो है उसके जितने भी कंपोनेंट हैं या तो वो सॉफ्टवेयर होंगे या फिर वो हार्डवेयर होंगे। अब जैसे मान लीजिए ये मैंने जो रेड कलर से लिखा हुआ है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तो लिखने के लिए मैंने जिस लाइट पेन का यूज़ किया वो हार्डवेयर है, और जिस सॉफ्टवेयर पे मैं ये लिख पा रहा हूँ वो हमारा सॉफ्टवेयर है पीडीएफ एक्सचेंज व्यूअर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जिसमें लिखा हुआ है हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ। तो कंप्यूटर लिटरेट का मतलब पहली बात है क्या, अगर आपको ये चीज़ पता चल गई तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। कंप्यूटर लिटरेट होने का मतलब सीधे सीधे ये है कि जितने भी कंप्यूटर के नॉन टेक चीज़ें हैं, यानी जैसे बेसिक एप्लीकेशन चलाना, स्विच ऑन करना, टर्न ऑफ करना और उसके बाद में रैम वगैरह की सारी जानकारी होना। इसके अलावा कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग और जैसे और भी चीज़ें हो गई, एंड्रॉयड कैसे चलाते हैं, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर लिटरेट वही होता है जो सिर्फ बेसिक काम करना उस पर जान जाए, जैसे एप्लीकेशन चलाना। तो यहाँ पे आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में जो व्यक्ति सक्षम है उसे हम कंप्यूटर लिटरेट कह सकते हैं, ऑप्शन ए। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि कंप्यूटर किसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो कंप्यूटर का जो बेसिक काम है वो यही है कि किसी भी डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, डेटा को इन्फॉर्मेशन में जो कन्वर्ट कर दे वही कंप्यूटर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा। अब डेटा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड है। इनको देख के सिर्फ आपको यही लग रहा होगा कि ये डेसिमल इक्विवेलेंट में लिखे गए कुछ नंबर हैं, ये किसी चीज़ की जानकारी आपको नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे ना आपको ये पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, ना ही ये किसी और चीज़ का सीरियल नंबर आपको दिख रहा है, सिर्फ यही पता है कि ये 1 से लेकर 7 तक नंबर हैं। ऐसी चीज़ों को कहते हैं हम डेटा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में हर एक चीज़ डेटा होती है अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड हो। कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं, इसमें नंबर शामिल हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट शामिल हो सकते हैं और सिंबल शामिल हो सकते हैं। नंबर मैंने बता दिया, अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड, और सिंबल हैश टैग, एट द रेट, प्रश्नवाचक चिन्ह और ये वाला विस्मय जो दर्शाता है वो वाला चिन्ह। तो चिन्ह और संख्यात्मक जितनी भी सूचनाएं हैं वो डेटा के अंदर आती हैं, ऑप्शन डी। कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, डेटा कैसे स्टोर होता है इस बारे में बताइए। तो कंप्यूटर डेटा को सिर्फ एक ही तरीके से एक्सेस कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है इनफैक्ट, कि या तो वो 1 की सीरीज़ हो या तो 0 की। कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 के अलावा किसी और नंबर को जानता ही नहीं है, और इसकी इस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर कौन सी लैंग्वेज आती है, बाइनरी, ऑप्शन डी। डैश में डेटा रॉ फैक्ट को बताता है। तो मैंने बता दिया कि जितने भी रॉ फैक्ट होते हैं वो डेटा के अंदर आते हैं, और जो डेटा मीनिंगफुल बन जाए, अगर आपका डेटा किसी चीज़ का मैसेज देने लगे,
जैसे यहाँ पे लिख दूँ मैं रन स्कोर्ड और ये लिख दूँ बॉल फेज्ड, तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि कितनी बॉलों को खेलते हुए कोई बैट्समैन कितने रन बना रहा है। तो इससे जो हमारे नंबर होंगे ना वो एक मैसेज को कन्वे करने लगेंगे, एक मीनिंगफुल चीज़ के बारे में बात करने लगेंगे। तो इस मीनिंगफुल चीज़ को कहा जाता है इन्फॉर्मेशन। तो पहले ब्लैंक में भरा जाएगा डेटा यानी कि ये डेटा, और दूसरे में भरी जाएगी इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना। तो डेटा और सूचना यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा का क्या मतलब होता है? तो अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड तक इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, चाहे वो कैपिटल हो या फिर स्मॉल। उसी तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अंदर एक से लेकर 9 तक जितने भी नंबर बन सकते हैं, हज़ारों लाखों की संख्या, वो सब आ जाती हैं। तो नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, ऑप्शन बी। नॉन न्यूमेरिक डेटा का एग्जाम्पल कौन सा होता है? तो नॉन न्यूमेरिक का मतलब ये हुआ कि इसमें एक से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट शामिल नहीं होना चाहिए। तो जो कर्मचारी का पता है उसमें मकान नंबर के तौर पर आप यूज़ कर लेंगे इन डिजिट को। ऐसे ही परीक्षा के अंक में तो जाहिर सी बात है इन्हीं अंकों का यूज़ करेंगे आप नंबर को दर्शाने के लिए। बैंक शेष यानी कि बैंक में आपने पैसे निकाले और आपके अमाउंट में शेष कितने बच गए, ये भी आपको नंबर के थ्रू ही पता चलेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि चाहे वो कर्मचारी के पते की बात हो, एग्ज़ाम में स्कोर किए गए नंबर हो, आपका रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस हो पैसे को निकालने के बाद, ये सभी के सभी न्यूमेरिक डेटा के बगैर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इन सबको दर्शाने के लिए आपको एक से लेकर 9 तक के जो डिजिट है ना, इनका यूज़ करना ही पड़ेगा। तो उपरोक्त सभी जितने ये चारों एग्जाम्पल हैं, ये सभी के सभी न्यूमेरिकल डेटा के अंदर आते हैं, ऑप्शन डी। कंप्यूटर पर जानकारी किसके रूप में स्टोर होती है? तो मैंने बता दिया कि इसमें सिर्फ बाइनरी नंबर आके एक्सेप्ट हो जाते हैं जिसमें 0 और 1 की सीरीज शामिल होती है, और इसको बोलते हैं हम डिजिटल डेटा। डिजिटल का मतलब यही होता है कि इसमें बाइनरी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। तो डिजिटल डेटा यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज, तो जो डेटा प्रोसेस हो चुका है उसे क्या कहेंगे? तो मैंने बता दिया कि यहाँ इनपुट में हम डेटा देते हैं, बीच में सारी प्रोसेसिंग होती है, और इस प्रोसेसिंग के बाद आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन। तो इसे क्या कहेंगे हम? इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य यानी कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर का, वो डेटा को किस में कन्वर्ट करना है? तो मैंने बता दिया कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। इन्फॉर्मेशन की हिंदी होती है सूचना, ऑप्शन डी। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण, जितने भी कंप्यूटर के मैकेनिकल पार्ट हैं जिनका यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, और जितनी अदर डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर में बाहर से लगी होती हैं, जैसे आप तक भी ये मैं वीडियो पहुंचा रहा हूं, मैंने माइक का यूज़ किया है तो ये हमारा उपकरण है, और जो मॉनिटर मैं यूज़ कर रहा हूं, ये कंप्यूटर का मैकेनिकल पार्ट कहलाता है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? तो ये होते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर वो सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं और जिनमें मैकेनिकल चीज़ें इन्वॉल्व हों, ऑप्शन ए। वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? तो ये तो हार्डवेयर होता है जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस करा है, ऑप्शन डी। अच्छा, वो सारी चीज़ें कौन सी होती हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? हम इन्हें चलाते हैं और इन पर इंजीनियरिंग भी करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर में अगर प्रोग्राम में एरर आ गई तो सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम इसे छू तो नहीं सकते ना, हम केवल प्रोग्राम ही रन कर सकते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर। फिलहाल इसका आंसर डी होगा यानी कि हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है इस बारे में हमें बताना है। तो मॉनिटर की बात करें आप, चाहे सेमीकंडक्टर मेमोरी की बात करें जो कि प्रोसेसर के अंदर एम्बेडेड होती है जिसे हम रैम कहते हैं, या फिर हम कीबोर्ड की बात करें, ये तीन के तीनों ऐसे हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, इनमें मैकेनिकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये तीन के तीनों हार्डवेयर हो गए, और जो बाकी ये लैन है, LAN, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर को एक छोटी सी लोकेशन में आपस में हम कनेक्ट करते हैं। हम तार के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसके बिना भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो लैन यहाँ से सॉफ्टवेयर, इनफैक्ट हार्डवेयर की कैटेगरी से बाहर हो चुका है।
ऑप्शन सी। अच्छा, लैंड किसकी कैटेगरी में आता है फिर? ये टोपोलॉजी की कैटेगरी में आता है। टोपोलॉजी भी किसकी कैटेगरी में आता है? ये नेटवर्किंग का एग्जाम्पल होता है, नेटवर्किंग करने का एक तरीका होता है टोपोलॉजी, और इसी टोपोलॉजी का हिस्सा है लैंड। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और फील किया जा सकता है? तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया, हार्डवेयर होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। प्रोग्राम एक ऐसी लैंग्वेज होती है, ऐसी कमांड होती है जिसे टेक्निकल लोग हैंडल करते हैं सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग को चेंज करने के लिए। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के हिसाब से ही काम करता है, और अगर आप प्रोग्राम में चेंज कर देंगे तो सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग में भी, यानी वो किस तरीके से काम करेगा इसमें भी चेंज आ जाएगा। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जिस सॉफ्टवेयर में मैं इस स्लाइड को चला रहा हूँ और आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और मेरा लैपटॉप जिससे चल रहा है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडो 10। आउटपुट मैंने बता दिया कि कंप्यूटर की जो एंड इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो कि यूज़र को डायरेक्टली चाहिए, वहाँ से वो मिलती है आउटपुट डिवाइसेस से, जैसे प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं अपनी आवाज़ सुनूंगा, जिससे सुनूंगा उसे कहेंगे स्पीकर, और स्पीकर है आउटपुट डिवाइस के अंदर, और आपको स्क्रीन पे ये पूरा वीडियो दिख रहा है, वो भी आउटपुट डिवाइस है। हार्डवेयर मैंने बता ही दिया, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो अगर आप कीबोर्ड की बात करें, या फिर माउस की बात करें, चाहे रोम की बात करें, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इन तीनों की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि कीबोर्ड हो, माउस हो, चाहे रोम हो, इन तीन के तीनों को बकायदा टच किया जा सकता है, इनमें मैकेनिकल पार्ट होते हैं। लेकिन अगर आप विंडो XP की बात करें तो ये एक सॉफ्टवेयर है, और किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंट्रैक्शन स्थापित करते हैं, और साथ ही साथ यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में भी ये आ जाते हैं। इनके बिना जो यूज़र होंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अगर कंप्यूटर में से विंडो हटा दूं तो मैं इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं चला पाऊंगा, जिसके थ्रू आपको ये वीडियो जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? तो मैग्नेटिक टेप यानी चुंबकीय टेप, प्रिंटर, और CRT का मतलब हो गया कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। इन तीनों को अगर आप देखें तो सबको पता है कि इसमें मैकेनिकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और ये तीन की तीनों चीज़ें कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट होके आती हैं, कंप्यूटर के अंदर ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप असेंबलर की बात करें तो असेंबलर एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इनफैक्ट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो कि इंग्लिश में लिखी जाती है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसे कंप्यूटर की भाषा में यानी 01 में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमारी लिखी भाषा को 01 में कन्वर्ट कर दे उसे हम कहेंगे असेंबलर, और ये सॉफ्टवेयर होता है। हमें कहीं मार्केट में बना बनाया असेंबलर नहीं मिलेगा। असेंबलर के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होंगे, जो कि CD के थ्रू इंस्टॉल किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो चाहे आप माउस की बात करें, प्रिंटर की, या फिर मॉनिटर की बात क्यों ना करें, सभी को पता है कि इनमें मैकेनिकल चीज़ें हैं और ये हार्डवेयर हैं। लेकिन एक्सेल यानी कि MS Excel, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें शीटें भरने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। तो एक्सेल यहाँ से ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है? C++ क्या है? ये C++ नहीं है, ये C++ है। तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ना, वो प्रोग्राम को लिखते हैं नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में, और कुछ बेसिक फंक्शन को यूज़ करते हुए, जो कि सी लैंग्वेज के अंदर आते हैं। ऐसे ही विंडो 7 ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं। लेकिन अगर आप CD-ROM की बात करें तो CD हाथ में पकड़ के कंप्यूटर के अंदर डाली जाती है, जिस वजह से वो हमारा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। तो कौन सा हार्डवेयर है? CD-ROM, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर और माउस, ये तीन के तीनों हार्डवेयर हैं, सभी को पता है। लेकिन जावा एक हार्डवेयर नहीं है। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
जिसका यूज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग को चेंज करने के लिए। जावा कब लॉन्च हुई थी? 1995 में।